पुलिस अपने बंदम पे कह रही है, पुलिस थोड़ी एक्शन लेती है, ये एक्शन तो मोदी जी के यहाँ से आता है। इसके ऊपर लड़की छेड़ने का आरोप लगाओ, अब इसके ऊपर रंगदारी का आरोप लगाओ, अब इसके ऊपर में कपड़े फाड़ने का आरोप लगाओ, वहाँ से एक्शन ले लिया जाएगा। हम कह रहे हैं क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, हम आ रहे हैं, हमें जेल में भिजवाना है तो आज हम सरेंडर कर रहे हैं, ये सब के बिना हमें जेल में भिजवा दो, लेकिन दिल्ली का काम मत रोक के हमारी प्रॉब्लम है। ऑनरेबल पीएम जो रेजिडेंस है वहाँ पे रेजिडेंस के पास कोई भी नहीं आ सकता, हर कोई आदमी किसी भी जगह सेलेक्ट करके डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। उस ये यहाँ आए हैं और इनको हमने डिटेन किया है, हमको पहले जानकारी नहीं थी, आज ही पता चला था इन्फॉर्मेशन के थ्रू, उसके बाद कॉन्टेक्ट कर इनको बताया भी गया, कम्युनिकेट भी किया कि जंतर मंतर करें या कहीं और जगह करें जहाँ अलाउड है प्रॉपरली, और यहाँ नहीं करें, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ आए, अब हमने डिटेंशन लिया कर लिया। अगर आप महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनके साथ आप बदतमीजी करेंगे, बुजुर्गों के साथ आप मारपिटाई करेंगे, और फिर आप कहेंगे कि देश में इमरजेंसी है, इमरजेंसी का मीनिंग मालूम है क्या होता है? लगातार ये सरकार जिस तरह से दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी कर रही है, जिस तरह से अराजकता कर रही है, उस अराजकता दिल्ली के अंदर होगी तो पुलिस ने निश्चित रूप से अपना काम करना है।